नमस्ते एंड वेलकम टू इंफ्रा टीवी। इंफ्रा टीवी आपको प्रतिदिन नए शहर के नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से अवगत कराता है और इसी सूची में आज मैं आपको भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाने वाला शहर बेंगलोर से जुड़ी 10 बड़ी और शानदार मेगा प्रोजेक्ट से अवगत कराऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि आज मैं आपको बेंगलोर से जुड़ी सभी बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि हम सभी को पता है बेंगलोर आज तेजी से, चाहे कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो या स्टार्टअप की ही दुनिया क्यों ना हो, आज तेजी से पांव पसार रहा है। और इसीलिए आज मैं बेंगलोर से जुड़ी कुछ बड़ी और शानदार मेगा प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिख देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बेंगलोर की पहली बड़ी प्रोजेक्ट है यशवंतपुर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नवंबर 2022 में साउथ वेस्टर्न रेलवे द्वारा नॉर्थ बेंगलोर में सिचुएटेड यशवंतपुर रेलवे स्टेशन बनाने का अनाउंसमेंट किया। बताया जा रहा है कि यशवंतपुर रेलवे स्टेशन 2025 तक कम्प्लीट भी हो जाएगी, जिसे 380 करोड़ की लागत से गिरधारी लाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार करेगी, जो कि एक EPC बेसिस प्रोजेक्ट है। अपडेट की बात यह है कि 20 जून 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यशवंतपुर रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन रखा था, जो कि एक वर्ल्ड क्लास हाईटेक और सभी फ्यूचरिस्टिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए डेवलप करेगी। डेवलप होने से जहां फिलहाल 60,000 पैसेंजर्स की हैंडलिंग कैपेसिटी है, वह इंक्रीज होकर 1,00,000 तक हो जाएगी। स्टेशन की खास बात यह है कि इसे एक सिटी सेंटर के तर्ज पर विकसित करेगी। आसपास का एरिया एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में तैयार होगा, जहां पे जो मुख्य बातें, इनका जो टर्मिनल बिल्डिंग होगा वह 4 स्टोरे की बिल्डिंग होगी, मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाई जाएगी, डिपार्चर कम अराइवल प्लाजा होगा, 215 मीटर वाइड एयर कॉन्कोर्स होगी। इसके साथ बहुत सारी नए टेक्नोलॉजी बेस्ड सुविधाएँ होगी जो इस पूरे यशवंतपुर रेलवे स्टेशन को खास बनाएगी। तो देखते हैं 2025 तक यह स्टेशन रीडेवलपमेंट हो पाती है या फिर नहीं होती है। वैसे इसके अलावा भी आज बेंगलोर में बेंगलोर कैंट रेलवे स्टेशन को 525 करोड़ की लागत से एक विश्व स्तरीय सिटी सेंटर के तर्ज पर विकसित होगा। वहीं सर एम विश्वेश्वरिया रेलवे स्टेशन को भी रेनोवेट करके विश्व स्तरीय बनाई जाएगी। ऐसे में देखते हैं बेंगलोर शहर के अलग अलग रेलवे स्टेशन का कब तक रेनोवेशन होता है, कब तक रीडेवलपमेंट हो पाता है। बेंगलुरु की दूसरी बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है बेंगलुरु होसूर इंटरस्टेट मेट्रो प्रोजेक्ट। साउथ इंडिया की पहली इंटरस्टेट मेट्रो रेल के रूप में प्रपोज्ड किया गया बेंगलुरु होसूर इंटरस्टेट मेट्रो 20.5 किलोमीटर लंबी स्ट्रेच होगी। इस 20.5 किलोमीटर में से 11.7 किलोमीटर का हिस्सा कर्नाटका और बाकी के बचे 8.8 किलोमीटर का हिस्सा तमिलनाडु में होगा। रिपोर्ट्स की बात करूं तो 2021 में इस प्रोजेक्ट पर विचार किया गया था, जो कि फरवरी 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फिजिबिलिटी स्टडी को अप्रूव्ड किया। अब देखते हैं कि आने वाले समय में इस पर आगे क्या इनिशिएट लेती है। फिलहाल अगर बनती है तो कहीं ना कहीं होसूर इंडस्ट्रियल टाउन में कनेक्टिविटी स्मूथ होगी, बेहतर होगी, लाखों लोगों का सफ़र आसान होगा। बेंगलुरु की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क प्रोजेक्ट। बेंगलोर के डॉप्सपेट में प्लान किया गया लॉजिस्टिक पार्क 400 एकड़ एरिया में फैला होगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बेंगलुरु का यह लॉजिस्टिक पार्क 2017 में ही पहली बार प्लान किया गया था, जो कि इनिशियल में तो 200 एकड़ में बनाया जाना था, बट अब इसे 400 एकड़ में बनाया जाएगा, जो कि टोटल कॉस्ट 1800 करोड़ होने वाली है। लॉजिस्टिक पार्क प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बेसिस पर तैयार होगा, जो कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक सेक्टर मजबूत होगा, ई कॉमर्स में बूस्ट देखने को मिलेगा। ऐसे में देखते हैं कि यह बेंगलुरु का लॉजिस्टिक पार्क कब तक तैयार होती है, वैसे अभी ही 5 साल डिले है। बेंगलोर की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है बेंगलुरु पेरीफेरल रिंग रोड प्रोजेक्ट। बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा प्रपोज्ड किया गया बेंगलुरु पेरीफेरल रिंग रोड 8-लेन एसेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के रूप में बनाया जाएगा, जिसकी लेंथ 74 किलोमीटर होगी। रिंग रोड कर्नाटका के हेसरघट्टा रोड, पल्लारी रोड, ओल्ड मद्रास रोड, होस्कोरे रोड के रास्ते तुमरुक और होसूर को कनेक्ट करेगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रिंग रोड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है, जिसे पिछले साल फरवरी 2022 में कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनुमति दी थी और अब खबर आ रही है कि 2026 से 27 तक इसे बनाकर पूरा भी कर लिया जाएगा, जो कि एक 100 मीटर चौड़ी सड़क होगी।
रिंग रोड की खास बात यह है कि इसमें 4+4 लेन का मुख्य रोड होगा, 3+3 का सर्विस लेन होगी और 2 मीटर वाइड दोनों ही साइड फुटपाथ को बनाया जाएगा। ऐसे में देखते हैं यह बेंगलुरु का पेरिफेरल रिंग रोड कब तक तैयार होती है। वहीं इसके अलावा एक और रिंग रोड को बनाया जा रहा है जो कि बेंगलुरु सैटेलाइट टाउन रिंग रोड है। यह बेंगलोर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है और यह कहीं ना कहीं आने वाले समय में बेंगलोर को अच्छे तरीके से कायाकल्प करेगी। ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यह दोनों ही रिंग रोड, चाहे वह पेरिफेरल रिंग रोड हो या फिर सैटेलाइट टाउन रिंग रोड हो, कब तक बनकर तैयार होती है। वैसे मैं आपको बता दूं, बेंगलुरु सैटेलाइट टाउन रिंग रोड बेंगलोर की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिस पर मैं आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करूंगा और देखूंगा कि अब तक कितना काम हुआ है और कब तक बनकर तैयार होगा। बेंगलुरु की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है बेंगलुरु सब अर्बन रेल प्रोजेक्ट। बेंगलुरु सब अर्बन रेल प्रोजेक्ट बेंगलोर की एक महत्वपूर्ण एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसे के राइड द्वारा बना रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सब अर्बन 4 कॉरिडोर में बनाया जाएगा जो कि टोटल 150 किलोमीटर लंबी रेल नेटवर्क होगी। अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन 2020 जून में ही रख दिया है और काम भी हो रहा है। 16,000 करोड़ की लागत से पूरी तरह से तैयार भी होगी। ऐसे में बेंगलुरु सब अर्बन रेल प्रोजेक्ट जो आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो देखते हैं कब तक बनकर तैयार होती है। वैसे इस पर भी मैं एक बहुत ही जल्द डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। बेंगलोर की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है बेंगलुरु मेट्रो रेल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। बेंगलोर सिटी की ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए आज तेजी से बेंगलोर में मेट्रो का एक्सटेंशन किया जा रहा है जो कि हम सभी को लगभग पता है। आज बेंगलोर की बात करूँ तो फेज 2, फेज 2B, फेज 3 और फेज 4 पर आज काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बेंगलोर का अर्बनाइजेशन तो होगा ही, ट्रैफिक में भी स्मूथनेस देखने को मिलेगी। एक तरह से देखा जाए तो बेंगलोर मेट्रो बेंगलोर शहर के लिए आने वाले समय में एक लाइफलाइन की तरह काम करेगी जो आज के डेट में काफ़ी तेज़ी से एक्सटेंशन हो रहा है और इसीलिए इस पर डिटेल में डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर पाना मुश्किल है, बट हाँ जल्दी हमारे एक डिटेल वीडियो होगी जिसमें मैं बेंगलुरु मेट्रो में बन रहे सभी लाइन, सभी अपडेट्स और सभी तरह की इन्फो, सभी तरह की न्यूज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आज की इस वीडियो को मैं यहीं पेंट करता हूँ, बट हाँ उससे पहले मैं बता दूँ कि इन सभी प्रोजेक्ट के अलावा भी आज बेंगलोर में कई सारे इंटरसिटी एक्सप्रेसवे को बनाया जा रही है, कई सारे बिजनेस पार्क को बनाया जा रहा है, कई सारे टाउनशिप प्रोजेक्ट बन रही है, कई सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, आईटी पार्क बनाई जा रही है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाई जा रही है, स्काईस्क्रेपर्स बिल्डिंग बनाई जा रही है और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आज के डेट में बेंगलोर में अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली लगता है 2030-35 तक बेंगलोर सिलिकन वैली के रूप में देखा जाएगा। हालांकि आज भी इसे इंडिया का सिलिकन वैली कहा जाता है, बट कहीं ना कहीं 2030-35 तक या सिलिकन वैली को भी पीछे छोड़ सकती है। ऐसे में बस उम्मीद करते हैं, बस दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द ऐसे ही बेंगलोर की तरह ही भारत के अन्य हिस्सों में डेवलपमेंट हो। चलिए आज की वीडियो यहीं पेंट करते हैं। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिख देना। जय हिंद दोस्तों।